नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जब भी एक नोटिस जारी होता है एग्जाम पोस्टपोन्ड को लेकर, किसी भी एग्जाम को उसे तूल पकड़ा देते हैं। जैसे कि एक नोटिस जारी हुआ, आपने सबने देख लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले नोटिस को पढ़ना लिखना है नहीं, नोटिस में क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या चीज़ है, बता दिया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। चीज़ें सच्चाई क्या है उससे वाकिफ नहीं कराते स्टूडेंट को, लेकिन यही बात चल रही है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, फलाना होगा, अब ढिमका होगा, अब ये करेंगे या फलाना करेंगे। अरे करोगे क्या, जब नोटिस आया उसे ढंग से पढ़ो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 27 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे दिल्ली पुलिस के, यानी 27 नवंबर से थे दोस्तों, ना 27 नवंबर से दिल्ली पुलिस वालों के एग्जाम थे और 14 दिसंबर तक ये चलने वाले थे। यही तो बात थी, है ना। बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्स्टेबल एग्जाम है ही आपका पुलिस वाला। तो यहाँ पर एक अपडेट आया है, एक अपडेट क्या आया है, उस अपडेट में क्या लिखा है उस दोस्तों, उसके अंदर ये लिखा है कि 23 तारीख के बाद, सुन लेना मेरी बात गौर से, कितनी सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको। इस नोटिस के अंदर जो नोटिस आप बार बार वायरल हो रहा है ना, और ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि इस नोटिस में ये लिखा है, अरे भाई नोटिस आप ढंग से पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा होगा कि 23 तारीख के बाद जो एग्जाम होने वाला है नवंबर के अंदर या दिसंबर के स्टार्ट के अंदर, ये बोला गया है कि इन एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया, ऐसा नहीं बोला, करके आप जनवरी फरवरी में करवा दीजिए। पोस्टपोन्ड किया नहीं है दोस्तों, उसमें ये बोला है साफ साफ कि इस एग्जाम को एक बार डिले कीजिएगा, कोरोना का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, इसे आप जनवरी फरवरी में करें। एक मशवरा दिया दोस्तों, यहाँ पर पोस्टपोन्ड नहीं किया अभी तक। ढंग से अगर आप पढ़ते हो उस नोटिस को, इसमें यही बात लिखी दोस्तों कि 23 तारीख के बाद जो एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर से, यहां से कुछ एग्जाम को पोस्टपोन्ड करके आप जनवरी फरवरी में करवा दीजिएगा, ये बात बोली गई। लेकिन ये आदेश जारी नहीं हुआ कि कर पोस्टपोन्ड कर दिया गया। यहां पर दोस्तों एसएससी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने भी कोई नोटिस दोस्तों जारी नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दोस्तों यहां पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। दोस्तों आपका एग्जाम अभी तक आगे होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, बात करते हैं इसी वीडियो में आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। आपका एग्जाम जो कहते हो 27 नवंबर को होगा, दिल्ली में होगा या कहीं और होगा या पोस्टपोन्ड होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक उस नोटिस में ये कतई नहीं लिखा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। समझ में आ रही है आप सभी की ये बात। अब बात करते हैं, अब दोस्तों यहाँ अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता भी है, मेरी बात सुनना, पोस्टपोन्ड होता है तो सभी का नहीं होगा दोस्तों, दिल्ली के एरिया के अंदर, दिल्ली के अंदर हो सकता है आपका, अगर सरकार चाहे तो। दोस्तों दिल्ली के अंदर जो एग्जाम है, जिन बच्चों के एग्जाम है, बहुत बच्चों ने सेंटर भरा था, उन्हीं के दिल्ली से बाहर भी तो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है ना। नहीं करवा सकती तो कोई बात नहीं, इन एग्जाम को बाद में ले लेगी जो दिल्ली के अंदर वाले होने वाले हैं, लेकिन अदर स्टेट में जो एग्जाम होने वाले अदर जोन के अंदर, वो एग्जाम दोस्तों आपके होंगे। ये दिल्ली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अदर जो एग्जाम आपके अदर अदर जगह जो होने वाले हैं अलग अलग जोन में, वहाँ कोई इफेक्ट दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान करना इस बात को। ये तो नोटिस दोस्तों जारी हुआ है, इससे पहले तो केजरीवाल जी ने बोल भी दिया था, राय भी दी थी कि भाई कोरोना का काफ़ी प्रभाव है जिसके चलते लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। अब लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है तो ये एक नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किया है, न ही एसएससी ने किया है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया। नहीं, बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। हाँ, आगे हो सकता है, लेकिन होगा दिल्ली वालों का, अदर का नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। तो छोटी सी बात है, घबराइए मत, तैयारी दोस्तों करिए। पेपर अब दिल्ली वालों को हो जाएगा, बाद में करवा देंगे या कहीं वो सेटलमेंट करेंगे आपका, लेकिन बाकी बच्चों का होगा एग्जाम जिनका दिल्ली सेंटर नहीं है, उनको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज किसी को दिक्कत दोस्तों नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप तैयारी करें, बहाना मत ढूंढें कि भी ये हो गया तो हम तैयारी नहीं करेंगे, आप तैयारी करें जी जान लगा कर दोस्तों, बाकी एग्जाम जो कि त्यों होने हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत दोस्तों नहीं आने वाली है। कोई भी आपका डाउट है इस भर्ती को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, भ्रमित करने वाली सूचनाओं से दूर रहें, अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। बस मत इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।